हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी सारी पैसेंजर ट्रेनें बंद है। ऐसे में रेलवे लोगों के जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पार्सल ट्रेनों की शुरुआत की है। दोस्तों, इस बात पर मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि जब रेलवे के पास ऑलरेडी माल गाड़ियां हैं जिस पर सामान को पहुंचाया जा सकता है, फिर अलग से पार्सल ट्रेनों को चलाने की क्या जरूरत थी। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रेलवे ने मालगाड़ी के रहते पार्सल ट्रेनों की शुरुआत क्यों की है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में जो गुड्स ट्रेनें होती हैं वह ले जाने वाले फ्रेट के अनुसार अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं, जैसे कि कोल, सीमेंट, स्टील आदि। चूंकि लॉकडाउन के कारण जब अधिकतर कंपनियां बंद है, ऐसे में इन माल गाड़ियों में ले जाने वाले सामान लगभग 40% कम हो गए हैं। इसीलिए लॉकडाउन के चलते रेलवे अपनी आय को बढ़ाने के लिए रोड ट्रैफिक से जाने वाले लोगों के जरूरी सामान जैसे कि ई कॉमर्स पार्सल, दूध, बीज, खाद, दवाइयां, हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट और छोटी बड़ी सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए फिक्स टाइम वाले पार्सल ट्रेनों की शुरुआत की है। यहाँ पर रेलवे उन माल गाड़ियों का उपयोग नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी डिजाइन उनके जरूरतों के अनुसार किया गया है, जिसमें कोयला, स्टील, सीमेंट वगैरह को ही ले जाया जा सकता है। लेकिन लोगों के जरूरी सामान के लिए रेलवे को इस टाइप के पार्सल ट्रेनों की जरूरत थी जिसमें सिक्योर तरीके से लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। इसीलिए माल गाड़ियों के होते हुए भी रेलवे ने पार्सल ट्रेनों की शुरुआत की है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।